राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। मेनपुरी दुष्कर्म की सजा काट रहे कैदी की मौत, दौरा आने पर बिगड़ी थी तबीयत। मेनपुरी जिला जेल में बंद सजायाफ्ता कैदी की शनिवार सुबह हालत बिगड़ गई। जानकारी पर जेल के मंदिर रक्षक उसे जिला अस्पताल लाए। अस्पतालों में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने नियमानुसार शव का पोस्टमार्टम कराया है। कैदी दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहा था। जिला फिरोजाबाद के थाना पचोखड़ा के गांव पमारी निवासी मुकेश कुमार 43 वर्ष, पुत्र मुकंदी सिंह वर्ष 2015 से जिला जेल में बंद था। उसे एक 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का मामला साबित होने पर सजा हुई थी। जेल प्रशासन के अनुसार मुकेश को दौरे आते थे। शनिवार को उसको दौरा आया। जब उसकी हालत बिगड़ी तो जेल के 4 बंदी रक्षक साबिर अली, नरेश कुमार, कृष्ण कान, मुकेश यादव उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कोतवाली पुलिस पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। 11 साल पहले किया था दुष्कर्म। मुकेश ने वर्ष 2010 में पास के एक गांव की 5 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। वो फिरोजाबाद जेल में वर्ष 2010 से बंद था। वर्ष 2015 में उसको फिरोजाबाद की अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 2015 में प्रशासनिक आधार पर मेनपुरी जेल में भेज दिया गया था। अतुल यादव, रिपोर्टर, सिटी टीवी 24 न्यूज, मेनपुरी।